हाँ तो मीरा भाईंदर ने जीता है और पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना है कि अच्छी बॉलिंग करेंगे और कम से कम स्कोर बने वैसा ट्राई करेंगे और बाकी ऑल द बेस्ट सबको। और टॉस हारने वाले कैप्टन जगदीश जी से, अगर हम टॉस जीते तो भी पहला बैटिंग ही लेते हैं और हम हमारा पूरी टीम 100% देने की कोशिश करेंगे ग्राउंड में। थैंक यू। हाँ 5 से 10 मिनट के अंदर तैयार रहे। तो जबरदस्त मुकाबला आज के दिन भी देखने को मिलेगा। तो मीरा भाईंदर ने टॉस जीता है। हमारे अंपायर्स भी रेडी हैं, दोनों टीम रेडी हैं। दोनों टीम के 12 प्रतिनिधि
आपसे गुजारिश होगी कि हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजना है, बारहवें प्रतिनिधि आपके हमारे कमेंट्री बॉक्स में भेजना है। सिर्फ चैलेंजर्स से बना मेरावत स्पोर्ट्स क्लब नाडोल आज का ये मुकाबला, तो ले चलता आपको मैदान की तरफ। मीरा भाईंदर ने टॉस जीता और फील्डिंग का फैसला किया और आमंत्रित किया मेरावत स्पोर्ट्स क्लब नाडोल को बल्लेबाजी के लिए। तो टीम मेरावत, आपके प्लेयर्स रेडी है, बैट्समैन रेडी है, तो चलिए फील्ड की सजावट कीजिए। मीरा भाईंदर, आज के दिन का पहला मुकाबला, पहला आगाज सिरवी चैलेंजर्स बनाम मेरावत स्पोर्ट्स क्लब, सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित इस श्रृंखला, इस प्रतियोगिता में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बताना चाहूँगा कल के दिन में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला इस मैदान पर। पनवेल टीम, टीम उलवा और टीम बदलापुर, ये तीनों टीम ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। आज वो कौन सी टीमें होंगी जो जाएंगी क्वार्टर फाइनल में, आज का पूरे दिन के महासंग्राम में किसका पलड़ा होगा भारी, ये देखेंगे आज के तीसरे दिन में। तो चलिए ले चलता हूँ मैदान की तरफ, जुड़े रहिए हमारे साथ सिरवी स्पोर्ट्स आयोजित सिरवी क्रिकेट लीग सीजन 3। मैदान की तरफ चलते हैं और आनंद लेते हैं इस महासंग्राम का। चलिए ले चलता हूँ मैं आपको अपने कमेंट बॉक्स में और साथ ही साथ मैदान की तरफ। पहला मुकाबला मेरे कमेंट बॉक्स में जुड़े हुए साथ मिस्टर डीजे हमारे साथ जुड़ चुके हैं टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से। ये क्रिकेट श्रृंखला लगातार तीन दिनों से प्रक्षेपित की जा रही है आपके YouTube पर, तो काफ़ी बढ़िया क्लियरिटी के साथ जो साल है ना। तो मीरा भाईंदर अपनी फील्ड की सजावट कर लें, सलामी की जोड़ी मैदान की तरफ। बिल्कुल मैं आपको ले चलता हूँ मेरे सीनियर कमेंटेटर प्रशांत सर के साथ, क्योंकि इस मुकाबले का देखा हाल समाचार उनकी जुबानी। ओवर प्रशांत सर। हॅलो माइक टेस्ट। हॅलो तर धन्यवाद डीजे। आपण पाहता मित्रांनो, आजचा तिसरा दिवस या पूर्ण स्पर्धेचा आणि आलेल्या सर्व क्रिकेट रसिकांचा, त्याचबरोबर आमच्या पंचांचा आणि आमचे पंच देखील आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येत आहेत आणि शुभ प्रभात आमच्याशी मात्र नक्कीच चर्चा करतात। जरूर तो आप देख सकते हैं दोस्तों, टूर्नामेंट जीता था ये कौन है जरूर। और इसी के साथ काफी अच्छा स्ट्रोक, लेकिन देखिए तो जरूर आए हुए सभी दर्शकों का और साथ ही साथ सभी खिलाड़ियों का और सभी टीम्स का। मैं प्रशांत पुजारी कलम बोली आपका करता हूँ इस सुबह के सत्र में सहर्ष सहर्ष स्वागत। आप देख रहे हैं
ये टीम का भी काफी बड़ा इतिहास है दोस्तों। यदि बात करें नाडोल टीम की, यानी कि मेरावत स्पोर्ट्स क्लब नाडोल, इस टीम की यदि बात करें तो भरत जी, साथ ही साथ जगदीश जी, मेरावत साहब एक ही गांव में रहने वाले ये कजिन्स है, ब्रदर्स है, फैमिली है दोस्तों। लेकिन क्रिकेट के मैदान की यदि बात करो तो इस फैमिली ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है सिर्वी स्पोर्ट्स के लिए, और जिसके चलते आप देख सकते हो दोस्तों मुंबई हो, पुणे हो, आसपास के परिसर हो, यहाँ पे सिर्वी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से काफ़ी भव्य दिव्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है हॉलीबॉल के माध्यम से। तो इसी के साथ बैट का अंदरूनी किनारा छूके जाते हुए अंपायर की उंगली आसमान की तरफ, आप देख सकते हैं काफी मोटा किनारा लिया था जिसके चलते अंपायर की इशारा आता हुआ बल्लेबाज की पारी का हरीश यहां पे आउट होते हुए सोहन नए गेंदबाज यहाँ पे बीच मैदान के ऊपर। देखिए सुबह का सत्र है दोस्तों, सुबह के सत्र में बल्लेबाजी करना थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि बॉडी अगर देखा जाए। नरेश आउट हुए, धन्यवाद। देखिए बातों मित्रांनो, वाशी संघ अर्थातच वाशी संघाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर मेरावत स्पोर्ट्स क्लब नाडोल या वाशी या संघाने हा संघ या स्पर्धेमध्ये उतरला आहे, त्यांच्यासमोर जे कडवट आव्हान आहे अर्थातच या संघाबद्दल सांगायचं म्हटलं तर मित्रांनो सिर्वी चॅलेंजर्स मीरा भाईंदर जो गतवर्षाचा विनर संघ राहिला, म्हणजे विनर विरुद्ध रनरअप, पहिल्या वर्षाचे रनरअप आहेत मित्रांनो जे फलंदाजी करणारे संघ आहे, त्यांच्यासमोर हे थोडंसं कडवट आव्हान आहे आणि हे आव्हान सकाळच्या सत्रामध्ये थोडंसं पचत नाही। परंतु यावेळेस खूप चांगला चेंडू, फ्लायडेड चेंडू टाकला होता, चेंडूवरती बोटांची जाजू खूप चांगल्या प्रमाणामध्ये फेकली गेली होती, फलंदाज पूर्णपणे चेंडूला समजू शकले नाही आहेत, निर्धाव चेंडू जातोय, एक एक निर्धाव चेंडू आता मात्र फलंदाजी करणाऱ्या संघांना थोडंसं प्रश्न निर्माण करत आहेत। फलंदाज जगदीश यांच्या खांद्यावरती खूप मोठी कमाण असणार आहे, जगदीश याच्याबद्दल सांगायचं म्हणलं तर अजून देखील जर इथून पाहिलं तर सहा षटकांचा खेळ येणं बाकी आहे। पहिल्या षटकाचा जर विचार केला तर पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 11 धावा धाव फलकावरती होत्या, आणि दुसऱ्या षटकाचा जर विचार केला तर आत्तापर्यंत खूप चांगली गोलंदाजी चालली आहे। सोहन याने चार चेंडू फेकलेत आणि चार चेंडूंमध्ये दोन फलंदाज बाद केले, थोडीशी घाई होते असं मला वाटेल, परंतु यावेळेस बॅकफुटला चुकीचा फटका, चुकीचा फटका, गरज होती का या फटक्याची, जगदीश सारख्या खेळाडूकडून अशा प्रकारच्या चुका संघाला अडचणीमध्ये नक्षीत टाकतील। चार चेंडूंमध्ये दोन फलंदाज बाद केले, थोडीशी घाई होते असं मला वाटेल, परंतु यावेळेस बॅकफुटला चुकीचा फटका, चुकीचा फटका, गरज होती का या फटक्याची, जगदीश सारखे खेळाडू
तर धन्यवाद डीजे. आपण पाहतोय मित्रांनो, सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई आयोजित ही भव्य दिवशी क्रिकेटची स्पर्धा. जगदीशांच्या माध्यमातून घेतलेला चुकीचा निर्णय, ताकद थोडीशी कमी पडली, एलिव्हेशन थोडंसं चुकतंय. बॅटीचा फेस अलगत हाताने त्यांनी ओढला होता, परंतु शेवटच्या क्षणी ताकद थोडीशी कमी पडली आणि परिणाम आपण पाहतोय की आपण फलंदाज बाद होतोय. तिसरा धक्का या षटकामध्ये. गोलंदाज आपण पाहतोय गोलंदाजी मार्कवरती. सोहन खूप चांगली गोलंदाजी करतात, यावेळेस पहा क्षेत्ररक्षण थोडंसं चुकलंय. एक धाव पूर्ण, दुसऱ्या धावीचा प्रयत्न, दुसरी धाव देखील वेगाने पूर्ण केली जाते. बघा मित्रांनो, सात षटकांचा सामना आहे आणि सात षटकांच्या सामन्यामध्ये पार्टनरशिप खूप महत्त्वपूर्ण फॅक्टर ठरतो, भागीदारी खूप महत्त्वपूर्ण फॅक्टर ठरतो. आणि जर एकंदरीत कालच्या दिवसामध्ये पाहिलं तर दोन सामने आपण मित्रांनो पाहिलेत, एक वाशी संघाचा, सॉरी माफ करा, एक ठाणे संघाचा, आणि त्यानंतर काल शेवटचा सामना मुलुंड संघाचा. पार्टनरशिपचं महत्त्व काय असतं हे या संघांनी दाखवलंय आणि आज इथं पार्टनरशिप करावी लागेल. पाच षटकांचा सामना अद्याप देखील उर्वरित आहे. 13 धावा धावफलकावरती आल्यात. दोन षटकांच्या समाप्तीनंतर तीन फलंदाज जरूर बाद झालेत, परंतु अद्याप देखील 30 चेंडूंचा खेळ येणं बाकी आहे. या 30 चेंडूंमध्ये किमान 50 ते 60 धाव जरी जमा केल्या तरी देखील ती ताकद आहे वाशी संघाकडे त्या धावा रोखण्याची. नक्कीच नक्कीच, लास्ट इयर जर भूमिपुत्र मैदानाचा जर विचार केला तर सेमी फायनलचा सामना याच दोन संघांदरम्यान खेळला गेला होता आणि एका चेंडूमध्ये 5 धावांची आवश्यकता असताना मीरा भाईंदर संघाने षटकार लगावला होता. अशा खूप साऱ्या आठवणी आहेत मित्रांनो या स्पर्धेला घेऊन, आणि या साऱ्या आठवणींना आज मात्र उजाळा भेटतोय या सीझन 3 माध्यमातून. पर्व तिसरे तर मित्रांनो गर्व तिसरे, अर्थातच एक जबरदस्त सुंदर अशी क्रिकेटची स्पर्धा साकारली जाते या ऐतिहासिक मैदानावरती. 40+ हे मैदान आहे मित्रांनो. या मैदानाचा जर विचार केला तर या मैदानावरती कुठलीही धावसंख्या सुरक्षित संबोधली जात नाही, परंतु आज सकाळच्या सत्रामध्ये असं पाहिलं जातं की आपली बॉडी नीटशी स्ट्रेचिंग होत नाही, शरीराचं पूर्णपणे वळण भेटत नाही, आणि अशा सिच्युएशनमध्ये जेव्हा तुमच्या वाट्याला पहिली फलंदाजी येते ना तेव्हा थोडीशी तुमची चाचपळ होते, थोडीशी अडचण निर्माण होते, थोडीशी तारेवरची कसरत करावी लागते. आणि हेच काम आपण पाहतोय मित्रांनो मैदानावरती होत असताना. दोन्ही फलंदाज अक्षरशः झुंज देत आहेत, अक्षरशः परिश्रम करत आहेत आणि एक एक धावेसाठी प्रयत्न करत आहेत. तर नक्कीच आपण पाहतो यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला गेला, परंतु शेवटच्या क्षणी चेंडू भूमीला दान झाला. एकच धाव भेटते या चेंडूवरती. आणि याच बरोबर आपण पाहतोय की नवीन गोलंदाज भवर यांच्याबद्दल सांगायचं म्हणलं तर मित्रांनो 40 अधिक वय त्यांचं, 40+ खेळाडू आहेत, 40+ मैदानावरती त्यांचा खेळ कसा राहणार आहे. खूप चांगली गोलंदाजी ते करतायत. सोहम यांचं मी कौतुक करेन मित्रांनो. एक षटक त्यांनी हाताळलं त्या षटकामध्ये, फक्त आणि फक्त 2 धाव त्यांनी खर्च केले आणि 3 फलंदाज बाद केले. अप्रतिम, दर्जेदार, एक स्पोर्ट्समन स्पिरिट, एक खेळाडू वृत्तीपणा, एक जिद्द, चिकाटी, संघर्ष, मेहनत, आज लिलयाबद्ध कामगिरी करण्याची शपथच जणू काय ते घरून घेऊन आले होते की काय. आणि तेच काम त्यांनी करून दाखवलंय. अकुटपेचा चेंडू यावेळेस मात्र शॉर्ट पुल करण्याचा जरूर प्रयत्न केला गेला. पंचांचा इशारा यावेळेस मात्र येतोय की आपण पाहतोय मित्रांनो की इथे वाईडचा इशारा येतो पंचांच्या माध्यमातून. वाईड एक्स्ट्राच्या स्वरूपामध्ये धाव फलकावरती एक निपटते भर. या एक्स्ट्राच्या धावा या धाव फलकाला संजीवणी देण्याचं काम करतात. ज्या प्रकारे दैनंदिन आयुष्यामध्ये आपली बॉडी ताजी तरतरीत राहण्यासाठी आपण ज्या प्रकारे न्यूट्रिशन घेतो, मेडिसिन्स घेतो, औषधं घेतो, त्याचप्रकारे ह्या एक्स्ट्राच्या धावा तुमच्या धाव फलकाला थोडीसं संजीवणी देण्याचं काम करतात. ऑन साईडला चेंडूला खेळतायत अलॉंग द कार्पेट ड्राईव्ह. मिडविकेटचा क्षेत्ररक्षक अतिशय वेगाने चेंडूवरती येत आहेत, चेंडूला गॅदर करतील, तोपर्यंत मात्र निश्चित स्वरूपाने एक धाव भेटते. सिंगल्स डबल्सवरती कॉन्सन्ट्रेशन करावं लागेल, सिंगल्स डबलच्या बरोबरीने भागीदारी रचावी लागेल, आणि खराब चेंडू आले तर त्यांचा मात्र पूरक समाचार घ्यावा लागेल. या प्रकारची रणनीती ठेवली म्हणजे चांगल्या चेंडूंना सन्मान आणि खराब चेंडूंवरती खरपूस समाचार. ही रणनीती जर का मैदानावरती राहिली तर निश्चित स्वरूपाने एक चांगली धावसंख्या हा संघ उभा करू शकतो. बॅकफुटला जात यावेळेस मात्र स्क्वेअर कटचा अप्रतिम मुशायरा. विश्वनाथ गुंडप्पा यांची आठवण करून देणारा वीरेंद्र सेहवाग स्टाईल मध्ये चेंडू जातो सर एक्स्ट्रा कव्हर रिजनला भेदत. 4 धावांसाठी दणदणीत सुंदर असा चौकार. सुंदर फलंदाजी होती, ही गरज आहे, हे ओळखावं लागेल फलंदाजांना कशा प्रकारे पार्टनरशिप बिल्ड करता येईल. आणि हे ओळखलंय त्याच्या परिणाम चौकाराच्या बरोबर थोडासा आकार भेटतोय, स्कोर जाऊन पोहोचतोय 23 घरामध्ये. 3 षटकांचा होतोय खेळ समाप्त. ऐकूयात एक सुमधुर संगीत आमच्या डीजेच्या माध्यमातून.
और इसी के साथ चौथे ओवर का भी खेल शुरुआत होते हुआ तीन ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो 23 लॉस ऑफ 3 विकेट्स, ये स्कोर कार्ड के ऊपर चित्र आप देख सकते हैं। शुरुआत के दौर में यदि बात करें तो बल्लेबाज थोड़े से खराब साबित होते हुए गेंदबाजी की मैं जरूर तारीफ करूंगा, स्पेशली सोहम भाई की मैं काबिले तारीफ करना चाहूंगा, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की थी दोस्तों। उनका रनअप देखा जाए तो 2 से 3 कदमों का रनअप था, लेकिन जब वो गेंद डिलीवरी करते थे, रिलीज करते थे, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन होता था वो काफ़ी बेहतरीन होता था। यहाँ पे देखिए काफी बेहतरीन क्रिकेट होता हुआ नजाकता के साथ, लयबद्धता के साथ, ब्यूटीफुल स्ट्रोक। इस बार पॉइंट के क्षेत्र में खेलते हुए बल्ले का फेस काफी सुनहरे तरीके से खोला और याद आ गए दोस्तों सचिन सर रमेश तेंदुलकर जी की। देखिए स्ट्रेट ड्राइव के जब वो फटके खेलते थे, जब स्ट्रोक्स खेलते थे, इसी प्रकार से बॉडी बैलेंस करते थे, अगर उनका सिर देखा जाए तो सीधा रहता था। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद कर बैठे, और एक गलती जरूरत है कि इस स्ट्रोक की बीच भंवर में नैया फंसी थी टीम की, लेकिन उस नैया को पार करने के लिए जो पार्टनर देखिए स्ट्रेट ड्राइव के फसल बोई थी वो फसल यहाँ पे नाकाम होती हुई। इसी प्रकार से बॉडी बैलेंस करते थे, अगर उनका सीन देखा जाए तो सीधा रहता था। इस बार बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में, खिलाड़ी वहां पे मौजूद था। ही तुम्हाला नेहमी साथ देते, यानी कि आपकी आक्रमकता ही आपको साथ देती है और ये खेलना होगा। इसी के साथ काफी अच्छी गेंद यहाँ पे आती हुई और एक डॉट गेंद, हर मरतबा डॉट गेंदे फेंकी जा रही, बल्लेबाजों को पूरी तरह से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। ये दूसरी डॉट गेंद है इस ओवर की, इस ओवर की यदि बात करें तो अब तक 3 गेंदे फेंकी गई, उसमें की 3 गेंदे डॉट है, पहले 2 गेंदे की यदि बात करें तो महज 2 रन आए। और क्या बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे नारायण के माध्यम से होती हुई, जिस नारायण ने इस सत्र का पहला ओवर पूरा किया जिसमें उन्होंने 11 रन जरूर दिए, 2 बड़े स्ट्रोक आए, उसके बाद यदि बात करें तो क्या बेहतरीन कमबैक ओवर के माध्यम से होता हुआ। 4 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 4 ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर की यदि बात करें तो स्कोर जा पहुंचा 26 पे। पहला ओवर यदि छोड़े तो बाकी के 3 ओवर में महज 2, 10 और 3, मतलब काफी सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी हुई है, पूरी तरह से प्रशंसा से काबिल भरी हुई है गेंदबाजी। जो सपना देखा था मीरा महेंद्र टीम ने पिछले साल इस प्रतियोगिता को जीतने का, वो सपना वहां पे पूरा नहीं हुआ, वो पूरा हुआ पहले साल की बात करें तो पहले साल सपना पूरा नहीं होता, दूसरे साल उन्होंने सपना पूरा किया, लेकिन इस साल फिर एक मरदावा वही सपना लेके, वही मनशा लेके, वही अपेक्षा लेके, उसी जुनून के साथ संघर्ष करने के लिए आज मीरा भाईंदर की टीम मैदान में उतरे। लेकिन मैं तारीफ करना चाहूँगा वाशी टीम की, नाडोल टीम की, देखिए लड़ना इनकी पहचान है, आखिरी सांस तक लड़ना ये पहचान है वाशी की, आज वो पहचान वो दिखाएंगे क्या। आज वक्त सही है, मौका मिला है, दस्तूर भी मिला है, लेकिन किस प्रकार से कामयाबी को छुएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। देखिए लीग स्टेज के मैचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, वाशी टीम की यदि बात करो इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक, पल्लू स्कूप, स्कूप ही सक्सेसफुल, गेंद सीधा जाती हुई फाइन के क्षेत्र में 4 रनों के लिए चौका। रन करना चाहूंगा हीरालाल जी मेरा साहब के माध्यम से, जो प्रमुख आयोजकताओं में से एक है, जिनके माध्यम से सर्वप्रथम इस सिरवी स्पोर्ट्स क्लब मुंबई के माध्यम से जो सपना देखा गया था क्रिकेट लीग के मैचेस, इसके प्रमुख संस्थापक हम कह सकते हैं दोस्तों, तो उनके माध्यम से निवेदन आता हुआ कि जो टीम
खेल नहीं रही है उनसे निवेदन रहेगा कि कृपया करके आप बाउंड्री लाइन के चारों तरफ बिखेर के रहना है, जिसके चलते जो गेंदे बाउंड्री लाइन की तरफ आएगी उसको आपको सुपुर्द करना है मैदान के ऊपर। तो मैं तारीफ करना चाहूँगा मेरावत साहब की निश्चित तौर से, क्योंकि काफ़ी अच्छा काम उनके माध्यम से सिरवी क्रिकेट के रूप में हमने हर वक्त देखा है दोस्तों। 1996 से उनके पास इतिहास है दोस्तों, हिस्ट्री है, और इस हिस्ट्री के यदि पन्नों को, और इसी के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों रिवर्सिप का प्रयास, हरीश को ये गलती करना जरूरी था क्या? काफी सारे सवाल हरीश के मन में आते हुए, और यहाँ पे और एक बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। ने मेरे वास्ते क्या कुछ नहीं किया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 1,000,000,000 बार शुक्रिया, तुम जैसे चूतियों का सहारा, तुम जैसे चूतियों का सहारा, ये तुम्हारे प्यार का मारा, ये तुम्हारे प्यार का मारा, एहसान मेरे रंग तुम्हारा, एहसान मेरे रंग तुम्हारा, ये तुम्हारे प्यार का मारा। और अब आप देख सकते हैं दोस्तों इसी के साथ और एक विकेट बीच मैदान से पीछे लौटता हुआ पैवेलियन की तरफ, गलतियां कर रहे बल्लेबाज, एक बल्लेबाज को डट के रहना पड़ेगा, एक बल्लेबाज को पूरी तरह से एक छोर से खेलना होगा। ये काम करते वक्त हरीश काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन एक गलत डिसीजन जिसके परिणाम आप देख सकते हैं। लेकिन इसी के साथ काफ़ी अच्छी गेंद, गेंद काफ़ी तेज़ी के साथ अंदर आती हुई, बल्लेबाज पूरी तरह से चुके, गेंद जा पहुंची सीधा विकेट कीपर के दस्तरों में। नए बल्लेबाज इस बार आप देख सकते हैं कमलेश मैदान पर आते हुए। स्कोर की यदि बात करें तो 32, पांचवा ओवर प्रगति पथ पे है दोस्तों, अभी भी 2 ओवर आना बाकी। इन दिनों ओवर में यदि बड़े स्ट्रोक खेले गए तो अच्छा स्कोर बन सकता है, लेकिन यहाँ पे मिस टाइमिंग स्ट्रोक, तू चल में आया इस प्रकार की स्थिति मैदान पे होते हुए, एक के पीछे एक और एक बड़ा झटका। इसी के साथ हमारे हरपल मोला शख्सियत के हमारे जीतू भाई कामोटा 46, 47, 48, पांच बॉल हुए, एक बॉल आना बाकी है। तो हमारे जीतू भाई यहाँ पे हरपल मोला खुशमिजाज स्वभाव के हमारे व्यक्तिमत्व जीतू भाई 47, 46, 48 कामोटा, उनकी टीम ने एक मैच जीता एक मैच हारा है, आज उनकी करो या मरो स्थिति है दोस्तों। तो स्कोर हुआ है 32, 5 गेंदे हुए इस ओवर की, आखिरी गेंद आना अभी भी शेष। गेंदबाज प्रवीण काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, इस बार स्ट्रेट ड्राइव का काफी अच्छा स्ट्रोक जरूर खेला गया था लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, खिलाड़ी वहां पे भैरव जी उपस्थित। गेंद को जब तक लपकेंगे तब तक मिली एक सिंगल, और सिंगल के साथ 5 ओवर का खेल समाप्त होता है। स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 33 रन, 12 गेंदे अभी भी शेष, और इन 12 गेंदों में यदि 20 से 25 रन भी जुड़े तो एक फाइटिंग स्कोर खड़ा हो सकता है। तो देखते क्या होगा और क्या नहीं होगा। बीच ओवर में यह पूरी तरह से वाशी टीम फंसी हुई है, नाडोल की टीम फंसी हुई है। इस टीम को यदि बाहर निकालना है तो आने वाली 12 गेंदों में 25 से 30 रन करना अनिवार्य रहेगा। तो इन 25 से 30 रनों का लक्ष्य पूरा किया जाएगा कि आने वाली 2 ओवरों में, या फिर मीरा भाईंदर टीम जिस लय में, जिस तेजी के साथ, जिस ताकत के साथ गेंदबाजी कर रही है वही ताकत बरकरार रहेगी। दोस्तों कहते हैं ना दोस्तों, शक्तिशाली इंसान यदि अपनी ताकत का प्रदर्शन ना करे तो अपेक्षाओं का वो धनी हो जाता है, और यही काम यहाँ पे वाशी टीम के माध्यम से हुए। काफ़ी ताकतवर टीम है दोस्तों, काफ़ी बड़ी टीम है दोस्तों, और उनके माध्यम से उनकी ताकत यहाँ पे प्रस्थापित नहीं हुई है, जिसके चलते काफ़ी बड़ी मात्रा में उनके जो दर्शक हैं, उनके जो स्पॉन्सर्स हैं, उनके जो चाहने वाले वर्ग है, वो आज उनके ऊपर अपेक्षाओं की उंगली खड़ी करते हुए लीग स्टेज की मैच में वो खेल रहे हैं दोस्तों। एक मैच ज़रूर उन्होंने जीता है, लेकिन ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट दोनों भी टीमों के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट, इस बार हल्की सी ओवर पिच गेंद, ऑन साइड के क्षेत्र में जरूर खेला, एक रन जरूर बट रहा दूसरी की कोशिश, और यहाँ पे देखिए तू तू मैं हा हा नाना, और यहाँ पे मौका बन सकता था। देखिए देखो प्रयास कीजिए, प्रयास करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। यहाँ पे प्रयास करने में थोड़ा सा आलसपन दिखाया है, और आलस इंसान का शत्रु होता है, और ये दिखाया बीच मैदान के ऊपर। और एक बल्लेबाज पारिकांत, चिल्लर साथ वाले किलर, काम करे कांड वाले लाइफ बेड़ा थ्रिलर।
तो निश्चित तौर से पिलर खड़ा करना होगा यहाँ पे रनों का, क्योंकि जिस प्रकार से बल्लेबाजी करने वाली टीम की बिल्डिंग पूरी तरह से लड़खड़ाई है बल्लेबाजों की, उस बल्लेबाजी की बिल्डिंग को यदि पूरी मजबूती के साथ खड़ा करना है तो पिलर बनाना होगा। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त ज़रूर बताएगा, लेकिन तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पे मैं भैरव भाई की, जिन्होंने काफ़ी अच्छा थ्रो दिया पिछले गेंद के ऊपर दोस्तों, सूझबूझ के साथ। भंवर साहब माफ़ कीजिए, भंवर साहब की मैं तारीफ करना चाहूँगा, 40+ के खिलाड़ी ज़रूर है लेकिन उनके हाथों में जब गेंद आई तभी फंबल नहीं, उन्होंने शांत स्वरूप में रवैया अपनाया और सीधा नॉन स्ट्राइकर एंड के ऊपर काफ़ी अच्छा थ्रो दिया। इसी के साथ रिवर्स स्वीप का स्ट्रोक यहाँ पे सही साबित होता हुआ 4 रन के लिए, काफ़ी खूबसूरत नायाब चौका। अरे और इसी के साथ और एक बल्लेबाज की पारी का अंत होता हुआ यहाँ पे आउट होने वाले बल्लेबाज तेजा विकास काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की यदि बात करें तो अब तक इस ओवर में स्कोर हुआ है 41। छठा ओवर प्रगति पथ पे है और छठे ओवर की गेंदों की यदि बात करें तो अब तक हुई है 4 बॉल, 4 गेंदें हो चुकी है छठे ओवर की, अभी भी 2 गेंदें आना शेष और इन 2 गेंदों में यदि 2 बड़े स्ट्रोक आए तो काफी अच्छा स्कोर बन सकता है। निश्चित तौर से 2 सगे भाई यहाँ पे बीच मैदान के ऊपर, भारत की यदि बात करें तो हार्दिक पांड्या, कुशल पांड्या, उसके बाद कृणाल पांड्या माफ कीजिए, उसके बाद एंडी फ्लावर, ग्रैंड फ्लावर, ऐसे बाद में एबी डिविलियर्स ने सर माफ कीजिए मोरे मॉर्कल, एबी मॉर्कल, पठान ब्रदर्स, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हमने देखे दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन इस प्रतियोगिता के माध्यम से यहाँ पे 2 बंधुओं की जोड़ी अपनी टीम को संवारने का किस प्रकार से प्रयास करेंगे बल्लेबाज आप देख सकते हैं। रोहित और राहुल दोनों भी डटे हुए मैदान के ऊपर विकेट के ऊपर अपनी टीम के लिए प्रयास कर रहे हैं रनों को बटोरने का, ये प्रयास सही साबित होगा कि आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में जरूर गई है, खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसी के साथ फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में कैच फोड़ा। आज नसीब का साथ पूरी तरह से मीरा भाईंदर टीम के पक्ष में, पूरी तरह से आज उनका नसीब साथ देता हुआ। क्या बोलते सब लोग, बनता है मालूम है ना, नहीं मालूम है तो सुन क्या बोला तू, एमबीए का सीन चेंज कर दूंगा, भगवान है क्या रे, मैंने जो भी किया ना खुद से किया, और क्या बोलता मैं रस कॉपी करता हूँ, मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ सब लोगों से, एमिनेम, रस, सब आर्टिस्ट को देखता हूँ, दूसरे से नन्हे बाबू को देख के नहीं सीखता हूँ, और बोलता है रफ्तार को पहले सुनता था, अरे लाइन समझ मेरी जान, 2014 में तेरे को मिस कर दिया था मैं, कि तू बहुत नकली बन रहा था तभी से, सुन मैं वापस आ गया तू फिक्र ना करेगा, किस तरह फ्लॉप हुआ क्या करेगा, मैं पहले से फेमस था शाने, तू क्या मेरा छोटे सीन चेंज करेगा, तू बस बड़ा दिखाना चाहता है, हम जिसको तू दबाना चाहता है, लेकिन मेरे पास तेरे लिए बहुत सारा सब चाहिए, ऊपर से शब्दों का छाता है। तो धन्यवाद डीजे, आप देख सकते हैं लास्ट विकेट यहाँ पे मैदान पे जाते हुए हीरालाल जी मेहरावत साहब, इस पूरे प्रतियोगिता के प्रमुख आयोजकताओं में से एक, जिनके प्रमुख नेतृत्व में ये संकल्पना बनाई गई और संकल्पना सिर्फ बनाई नहीं दोस्तों, तो इस संकल्पना को सही मायने साबित करके दिखाया। अभी लास्ट विकेट मैदान पे है, गेंदों को डिफेंस करके पूरा ओवर मैदान खेलना है या फिर एक हद दो रिस्क लेके बड़े स्ट्रोक ट्राई करना है, राहुल के लिए बड़ा सवाल होगा। 5 गेंदे अभी विशेष, सोहम गेंदबाजी के लिए, फ्लाइटेड गेंदे हर मर्तबा डाली जा रही है यहाँ पे, बल्लेबाजों को मौका दिया जा रहा है खेलने के लिए, क्योंकि इसके पीछे का रीजन देखिए, सुबह का सत्र है दोस्तों, पूरी तरह से गेंद तेजी के साथ ट्रैवल नहीं होती, जिसके चलते आप फ्लाइंग स्ट्रोक देखिए, गेंद काफी मर्तबा हवा में देखिए और एक भी कैच नहीं छूटा है मीरा भाईंदर की टीम से, ये काफी अच्छी बात, तेजी के साथ फेंका गया है गेंद, कभी स्लो कभी तेजी के साथ, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, सटीक लाइन और लेन के साथ होती हुई गेंदबाजी। देखिए दोस्तों, टॉस जीतने के बाद जो निर्णय लिया गया बल्लेबाजी का, वो निर्णय माफ कीजिए गेंदबाजी करने का जो निर्णय लिया गया
मीरा भाईंदर की टीम से, वो निर्णय सही साबित करके दिया। उन्होंने जाना पहचाना कि अभी सुबह का सत्र है दोस्तों, सुबह के सत्र में यदि बात करें तो थोड़ा सा मॉइस्चर होता है, थोड़ी सी नमी होती है विकेट के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, जिसके चलते बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें निर्माण होती है, और यही बात को बखूबी निभाया गेंदबाजों ने, और जिसके चलते पूरी तरह से जकड़ के रखा है बल्लेबाजी करने वाले टीम को। 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। इस बार 12 स्ट्रोक खेलने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद जाती हुई, खिलाड़ी जब तक गेंद के नीचे आएंगे तब तक एक रन पूरा किया दूसरी की कोशिश, और काफी अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे होती हुई, लेकिन यहाँ पे लाउड अपील की गई, लेकिन बल्लेबाज काफी तेजी के साथ अपने पॉपिंग क्रीज में जाते हुए अच्छी सूझबूझ वाली पारी से डबल्स के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन किया जा रहा है। हीरालाल मेरावत की बात करें तो 40 प्लस है, लेकिन उनके तरफ अगर देखा जाए तो काफी अच्छी उनकी फिजिक्स है दोस्तों, काफी अच्छी उनकी बॉडी लैंग्वेज है क्रिकेट के लिए, चुस्त दुरुस्त लगते हैं, कई सारे युवक को के लिए एक आदर्श बन सकते हैं वो, और जरूर बने भी है दोस्तों, क्योंकि 1996 से उनका ये सफर रहा है दोस्तों सिरवी क्रिकेट लीग्स का, सिरवी क्रिकेट का, और ये सफर वो सही साबित करके देगा। इसी के साथ डॉट गेंद जाते हुए, डॉट गेंद के साथ 7 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, 7 ओवर के समाप्ति के बाद 47 रन स्कोर कार्ड के ऊपर और 48 रन टू विन का लक्ष्य। बनने बोले कल्लू बन जाऊंगा, तू चाहे तो तेरा पल्लू बन जाऊंगा, मलयालम होगी तो मल्लू बन जाऊंगा, तेलुगु रहेगी तो अल्लू बन जाऊंगा, तू बनाएगी तो उल्लू बन जाऊंगा, बेबी बाबा नहीं बल्लू बन जाऊंगा, लड़की बताने में संजू बन जाऊंगा, शादी करने बोले सल्लू बन जाऊंगा। धन्यवाद डीजे, जरूर आपको थोड़ा सा रुकाऊंगा मैं। इसी के साथ मलाड और डोंबोली टीम के कैप्टन टॉस के लिए आइए। मलाड और डोंबोली के कैप्टन, शायद मलाड पहला मुकाबला खेलेगी आज अपना, दूसरा माफ कीजिए, तो डोंबोली दोनों भी टीम अपना दूसरा मुकाबले खेलेगी, तो विनती करना चाहूंगा, डोंबोली के कप्तान आ चुके हैं तो मलाड के कप्तान प्लीज निवेदन रहेगा, बॉल देना है, गेंदे देना है अंपायर सर। मलाड कैप्टन भेजिए और डोंबोली आप भी आइए, तो जरूर हम टॉस की तरफ रुक करेंगे। हमारे टेनिस क्रिकेट डॉट इन के लाइव यूट्यूबर से विनती रहेगी कि थोड़ा सा फोकस कीजिए, यहाँ पे हमारे हरपल मोला दिल खुलास व्यक्तिमत्व जीतू भाई आज एक अलग ढंग में दोस्तों, जिस प्रकार से देवानंद जी की याद आती हुई उनको देख के, एवरग्रीन पर्सन, एवरग्रीन के नाम से पहचाना जाता है देवानंद साहब जी को, काफ़ी अच्छी यादें उनको, बॉलीवुड को काफ़ी बड़ा योगदान, भारत के लिए काफ़ी बड़ा योगदान, और उनकी छवि यहाँ पे जीतू भाई के आज लुक में दिखती हुई, पूरी तरह से आनंद उठा रहे इस पूरे प्रतियोगिता का जीतू भाई। साउथ अफ्रीकी जर्सी आज उन्होंने परिधान की है, साउथ अफ्रीका का जर्सी परिधान करने के बाद उनके मन में मंशा क्या, टॉस लिया जाएगा, चलो निश्चित तौर से, धन्यवाद। बिल्कुल धन्यवाद प्रशांत सर, यहाँ पे टॉस किया जा रहा है मलाड और डोंबिवली के बीच में, तो जीतू भाई इनके हाथों से टॉस किया जाएगा, कॉल इज हेड, टॉस जीता डोंबिवली टीम ने, रुकना है। तो जीतू भाई आज के दिन का दूसरा मुकाबला है, पहले तो मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा, आज आपकी भी टीम होगी तो कितना मजा आएगा, आज के दिन में टीमें हैं, आज जो टीमें खेलेंगी वो क्वार्टर फाइनल में प्रवेश करेगी, कल के दिन में आपने मुकाबला देखा पनवेल टीम ने, आखिरी मुकाबला मुलुंड और पनवेल के बीच का जबरदस्त मुकाबला हुआ था, तो आज किस प्रकार के खेल की अपेक्षा होगी आपके टीम से? देखो आज मेरा एक्चुअली में थर्ड मैच, लास्ट मैच मेरा बाकी है, वो अगर जीतता हूँ तो मैं क्वार्टर फाइनल में जाता हूँ, तो बहुत उम्मीद करके आया हूँ अपने मराठी मारवाड़ी सभी देवी देवताओं को, 36 कौम के देवी देवताओं को हाथ जोड़ के आया, और आज बड़ा टीका लगा के आया हूँ, और आज ड्रेस भी साउथ अफ्रीका का पहन के आया हूँ ताकि वैसा पावर रहे अपनी टीम में, और सब खिलाड़ी जोश में, और नके हम लोग क्वार्टर फाइनल में भी जाएंगे और सेमीफाइनल में भी जाएंगे आज। बिल्कुल बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि ज़रूर जाए। तो डोंबिवली टीम, आपने टॉस जीता आपने, बॉलिंग का फैसला है, फील्डिंग का फैसला है, तो क्या रणनीति होगी, कौन सा गेंदबाज आपका अहम होगा जो इनके बल्लेबाजों को रोकने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे? स्पेशली करके मोहन भाई जो हमारे स्ट्राइक बॉलर हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम जल्दी से जल्दी इनको ऑल आउट करें, क्योंकि हम पहला मैच हमारा लॉस हो चुका है,
तो हमारी कोशिश वही है कि हमें भी दोनों मैच जीत के क्वालिफाई करना है। बिल्कुल, यहाँ से दो मैच अगर आप जीतते हो तो आप क्वालिफाई करेंगे क्वार्टर फाइनल के लिए, अन्यथा आपको भी इस श्रृंखला से बाहर होना पड़ेगा। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक रहेगा आपको नेक्स्ट मुकाबले के लिए। टीम मलाड़ आते हैं आपके पास, तो यहाँ पे टॉस हार चुके हैं, पहले बैटिंग आपको आमंत्रित किया है टीम डोंबिवली ने, तो कौन से बल्लेबाज होंगे जिनके बलबूते पे आप एक सम्मानजनक स्थिति का स्कोर खड़ा करने की कोशिश होगी आपकी? हमारे बैटिंग ऑर्डर पहले से फिक्स है, पहले भी हम भी एक मैच हार चुके हैं, डोंबिवली भी हार चुके हैं, तो दोनों टीमों पे प्रेशर है, तो अपनी अपनी मेहनत से खेलते हैं, बैटिंग ऑर्डर हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। बिल्कुल, बैटिंग ऑर्डर आप अपने हिसाब से करेंगे, बेस्ट ऑफ लक आपको अगले मुकाबले के लिए। तो चलिए जीतू भाई, चलते कॉमेंट्री बॉक्स में, मजा लेते हैं, इस आनंद लेते हैं इस मुकाबले का। तो ओवर टू प्रशांत सर। फोर्टी एट रनों का लक्ष्य है, यदि बड़ा स्ट्रोक खेलने से रोकेंगे बल्लेबाजों को तो निश्चित तौर से इस मैच में कमबैक कर सकते हैं। पहली चार ओवर्स जगदीश को काफी सोच के डालनी होगी, सूझबूझ के साथ खेलना होगा, एक एक रन को बचाना होगा, मैच कड़ा होगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। पिछले मैच सत्र में हमने देखा कि गेंदबाजों ने बल्लेबाजों से गेंदों को थोड़ा सा दूर रखा, जिसके चलते बल्लेबाजों को काफ़ी मुश्किलें निर्माण हो रही थी, और शायद प्रयास राहुल के माध्यम से भी किया जा रहा है कि किस तरह से बल्लेबाजों से थोड़ी सी गेंदों को दूर रखा जाएगा, तेज़ी के साथ उछाल दी जाएगी, जिससे मुश्किलें निर्माण हो सकती हैं, और यही प्रयास बीच मैदान के ऊपर राहुल के माध्यम से होता हुआ। फुलर लेन की गेंद, काफी बेहतरीन गेंदबाजी, या फिर तेजी के साथ गेंद को फेंका गया, ब्लॉक होल का सही इस्तेमाल, ये होती है दोस्तों नायाब पेशकश पारी अपनी गेंदबाजी के माध्यम से। हमारे बल्लेबाजों ने आज कुछ स्पेशल नहीं किया, लेकिन हम कुछ कर दिखा सकते हैं, कर कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तेरे जैसा, और यही काम करने के लिए रेडी होती हुई दोनों भी टीम्स एक दूसरे के सामने। इस बार क्या बेहतरीन गेंदबाजी, यहाँ पे तेज तर्रार, आग उबलने वाली ये रफ्तार थी गेंदों की, गेंद मानो शोले की तरह दहकते हुए जाते हुए बल्ले के सामने से, बल्लेबाज भी कतरा रहे इन शोलों को छूने से, डॉट गेंद आती हुई। Bala, 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 bala. तो निश्चित तौर से बात करेंगे दोस्तों, ये दूसरे सत्र की, दूसरे सत्र की बात करें तो 48 रनों का लक्ष्य चेस करते हुए आने वाली 36 गेंदें और जीत के लिए 42 रनों की आवश्यकता। देखिए, इस स्कोर की यदि बात करें तो कम छोटा स्कोर जरूर है दोस्तों, लेकिन इस स्कोर को भी डिफेंस किया जा सकता है। सुरेश आते हुए, नए गेंदबाज, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, ये होनी चाहिए लाइन और लेंथ। देखिए, पिछले ओवर में भी राहुल ने कुछ गेंदें बल्ले से दूर रखी, जो गेंदें डॉट गई, लेकिन इस ओवर की बात करें कि तो दोस्तों एक हल्की सी उन्होंने ओवर पिच गेंद खेली, उसके ऊपर काफ़ी बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था भरत ने। भरत की ये बात करें तो पिछले मैच में उन्होंने 50 दागा था, क्या बेहतरीन नायाब पेशकश पारी थी, आज भी आंखों के सामने वो सुंदर चित्र आता हुआ। इस प्रकार की गलतियां आपको काफ़ी महंगी साबित हो सकती है दोस्तों।
आप भी आंखों के सामने भरत की वो नायब पेशकश पारी आती है दोस्तों, उसके बाद बात करें तो अमित ने कल कैलाश ने क्या खूबसूरत बल्लेबाजी की थी। दो तो निश्चित तौर से हमारे डोंबिवली के सिरवी समाज के मंडल यहाँ पे आया है, तो उनका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और उनसे भी हम विनती करेंगे कि आइए तशरीफ लाइए हमारे मंच के ऊपर, आपकी जगह हमारे मन में है, हमारे मंच पे है, तो मंच की शोभा बढ़ाइए। हमारे डोंबिवली के मेहमानगण अतिथिगण यहाँ पे आ चुके हैं मैदान के ऊपर, यदि उन तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है तो कृपया करके इस आमंत्रण का स्वीकार कीजिए और जल्द से जल्द हमारे मंच की मुख्य व्यासपीठ की शोभा बढ़ाइए। आप देख सकते हो दोस्तों सुरेश क्या बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई, सटीक लाइन और लेंथ के साथ यहाँ पे गेंदबाजी होती हुई, एक एक बड़ा स्ट्रोक आज बचाना होगा, एक एक गेंद सोच समझ के फेंकनी होगी, एक एक रणनीति को आज सही साबित करना होगा। और ये ताकत, ये जुनून, ये जज्बा जगदीश के हाथों में है, आज जगदीश को कुछ कर दिखाना होगा। बल्लेबाजियों ने बल्लेबाजी में उन्होंने कुछ आज स्पेशल नहीं किया, लेकिन एज अ कैप्टन उनकी भूमिका हर मर्तबा काफी इंपॉर्टेंट रही है उनकी टीम के लिए, और जिसके चलते अब तक का SCL का सीजन की बात करें, SCL यानी कि पूरे भारत वर्ष में जो SCLs की टूर्नामेंट होती है उनमें 10 से ज़्यादा बार ये टीम फाइनल में पहुंची है, और आज पूरा अनुभव ताकत के साथ इस्तेमाल करना होगा, रणनीति के साथ खेलना होगा, तजुर्बे का इस्तेमाल करना होगा। इस बार गेंद हवा में, मौका बन सकता है राहुल गेंद के नीचे, यहाँ पे मछली फंस सकती थी, थोड़ा प्रयास करना चाहिए था, कदमों की गति को थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, थोड़ा सा स्टार्ट लेना चाहिए था। देखिए दोस्तों, आप जब फील्डिंग को खड़े होते हो ना, तब आपको स्टार्ट लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शुरुआती के जब गेंदबाज रनअप पे होता है, जब गेंदबाज रनिंग पोजिशन में होता है, गेंद को रिलीज करने के मूड में होता है, तभी आपको थोड़ा सा स्टार्ट लेना अनिवार्य होता है। यदि आप स्टार्ट लोगे तो निश्चित तौर से जब आप गेंद के ऊपर आखिरी क्षणों में जाते हो तब आपका बैलेंस काफ़ी अच्छा होता है, आप डाइव लगा सकते हो, आप गेंद को एफर्ट के साथ पकड़ सकते हो। यही थोड़ी सी गलती यहाँ पे राहुल के सामने आती हुई, राहुल भी काफ़ी सारे सवालों के साथ घिर चुके हैं, क्योंकि एक बड़े बल्लेबाज का एक कैच था दोस्तों, जिस बल्लेबाज ने इस प्रतियोगिता में अर्धशतक झलकाया था उस बल्लेबाज का एक कैच था। सुरेश राइट मोड़ दी विकेट, अगली गेंद सुरेश की, पटकी हुई गेंद हल्के हाथों से मोड़ दिया कलाइयों के साथ, काफी अच्छा स्ट्रोक। ताकत नहीं है दोस्तों, कहते ना शक्ति से युक्ति श्रेष्ठ, ताकत से बड़ी बुद्धि, और यही बुद्धि अनुभव के साथ नजाकत के साथ इस गेंद को मोड़ दिया कलाइयों के साथ 3-4 रनों के लिए। आप एक ही लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करेंगे तो बखूबी बल्लेबाज आपको पहचानेंगे, और यही काम बीच मैदान के ऊपर होता हुआ भोवर जी ने पहचाना कि बल्लेबाज हर मर्तबा गेंदों को थोड़ा सा दूर रख रहे हैं, और इसी के चलते सिर्फ और सिर्फ बल्ले का यदि फेस ओपन किया जाए तो ये काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। इसी के साथ दो रन आए आखिरी गेंद के ऊपर, दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ, दो ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 8 रन इस ओवर में आए। देखिए दोनों भी ओवर में एक अच्छी बात हुई है दोस्तों कि दोनों भी ओवर्स में एक एक चौका लगाए, बल्लेबाज भरत और बल्लेबाज भंवर, इन दोनों बल्लेबाजों ने क्या खूबसूरत शुरुआत की है, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं ले रहे हैं दोस्तों, अच्छे गेंदों को सम्मान दे रहे हैं, कोई ख़राब गेंद आई तो उसके ऊपर हल्का सा फेस ओपन कर रहे हैं, गेंद और आउटफील्ड इतनी फास्ट है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ यदि आप अच्छा टाइमिंग करोगे तो निश्चित तौर से आपके उसके ऊपर बाउंड्रीज निश्चित तौर से मिलेंगी। सुबह के सत्र में थोड़ा सा ड्यू फैक्टर डिपेंड करता है, तो भी हल्की 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 धूप निखरती हुई और साथ ही साथ विकेट थोड़ी सी तेज होती हुई, दो ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आते हुए 48 रनों का पीछा करते हुए अभी भी आने वाली 30 गेंदें जीत के लिए 34 रनों की आवश्यकता। बड़ा स्ट्रोक, इस बार गेंद हवा में, खिलाड़ी सुरेश गेंद के नीचे मौजूद, कैच लपकेंगे क्या? हाँ जरूर लपकेंगे। इसी के साथ बल्लेबाज भारत के पारिकार होए जाबो आमी पागल होए जाबो ओरे पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो ओरे पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो पागल होए जाबो आमी पागल होए जाबो मांग दिसी ओ राइड दिल विच की हाइड तेरा ने कर दी साइड चल दाना फुल शिफ्ट नी सेम योर सेम सदा टाइम धन्यवाद डीजे। हमारे डीजे भी इस बार इन एक्शन आते हुए सुबह के सत्र में पूरी तरह से हमें सभी खिलाड़ी को थोड़ा सा चार्जिंग करने का काम उनके माध्यम से होता हुआ जरूर, चाय की तरतरी अभी बदन में संचार हुई नहीं है उतनी तेजी के साथ, और जिसके चलते वाशी टीम थोड़ी सी बैकफुट पे आई पहले सत्र में, लेकिन दूसरे सत्र में कम बैक करने का प्रयास जरूर किया गया है। गेंदबाजी के ऊपर आप देख सकते हैं नए गेंदबाज कमलेश जी को लाया गया, और पहले गेंद के ऊपर उन्हें सफलता जरूर मिली है, बड़े स्ट्रोक आ रहे नहीं है दोस्तों, हवा पूरी तरह से रुक गई है, सुबह के सत्र में गेंद ट्रैवल होती नहीं उतनी हवा में, और यही काम पहचान इस बार काफी अच्छा प्रयास किया गया।
यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क लिया गया भंवर जी के माध्यम से। भंवर नाम का भंवर बीच मैदान के ऊपर मंडराता हुआ मीरा रोड टीम के लिए, और ये सही साबित होता हुआ। सिंगल्स डबल्स के साथ स्ट्राइक रोटेट की जा रही है, हर गेंद के ऊपर किस प्रकार से रन बटोरा जाएगा इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। दोनों भी बल्लेबाज देखा जाए तो पूरी तरह से शांत, सुरक्षित, संयमी खेल दिखाते हुए उन्होंने जाना है, पहचाना है कि बड़े स्ट्रोक खेलना अनिवार्य नहीं है, सिंगल्स डबल्स के ऊपर किस प्रकार से भरोसा दिखाएंगे। और इन सिंगल्स डबल्स को रोकना है तो रणनीति कुछ तो बनानी होगी। पल्लू स्कूप खेलने का प्रयास, गेंद हवा में जरूरी है, विकेट कीपर वहां पे मौजूद, लेकिन दूसरे प्रयास में यहाँ पे कैच छूटा है, और कैच के साथ आप देख सकते हैं दोस्तों, लेकिन अंतिम क्षणों में इस कैच को लपका, पहला प्रयास दूसरा प्रयास में सक्सेसफुल। चलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, फास्ट कीजिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए। इसी के साथ आप देख सकते हो दो बल्लेबाज आउट हुए, एक मैच में कमबैक बनता हुआ, मैच में रंग बिखेरता हुआ, मैच में फिर एक मरतबा पकड़ बनाती हुई वाशी की टीम। भंवर जी के लिए अगली गेंद, तेजतर्रार गेंद, इस बार काफी तेजी के साथ गेंद अंदर आई है, एक रन जरूर बटोरा, दूसरे की कोशिश करेंगे क्या। काफी तेजी के साथ जगदीश गेंद के ऊपर आते हुए, क्या बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पे जगदीश के माध्यम से, ये होना चाहिए दोस्तों, इस ताकत के साथ खेलना होगा। निश्चित तौर से नए बल्लेबाज यहाँ पे बीच मैदान के ऊपर आते हुए, मीरा रोड टीम की ये बाजू है दोस्तों, मजबूत बाजू के नाम से पहचाना जाता है प्रवीण, जिन्होंने पिछले साल दो लास्ट के मैचेस में सेमीफाइनल और फाइनल में मैन ऑफ द मैच का प्राइज तो लिया, और साथ ही साथ मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी उनके नाम पर है। तो ऐसे बड़े बल्लेबाज के सामने चुनौती होगी। हल्की सी ओवर पिच गेंद, हल्के हाथों से मोड़ दिया, जगदीश काफ़ी तेजी के साथ गेंद के ऊपर आएंगे, किसी भी प्रकार की गलती नहीं है, दूसरे की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन काफ़ी अच्छा थ्रो, क्या बात है, बेहतरीन कामयाबी यहाँ पे मिलती हुई अपने फील्डिंग के माध्यम से व्यक्तिगत रूप में। ये होना भी चाहिए दोस्तों, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास दोस्तों जीत की दूसरी बाजू है, संघर्ष और आत्मविश्वास जीत की दूसरी बाजू है, और यही काम दोनों भी टीम अपने एक दूसरे को हराने के लिए करेगी। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस प्रकार से कांटे की टक्कर चल रही है ना दोस्तों, ये मजा होता है। इस बार गेंद को हवा में मोड़ दिया, खिलाड़ी वहां पे मौजूद, क्या छूटा है दोस्तों, ये कैच नहीं छूटा है तो ये मैच छूटा है, चौका आता हुआ। अपना है तो फिर ना सही दिल पर, इस दिल को ये समझा लिया, इसमें तेरा घाटा, तेरा कुछ नहीं चाहता, ज्यादा प्यार हो जाता तो मैं सह नहीं पाता। तो इसी के साथ हरीश के माध्यम से कैच छूटता हुआ दोस्तों, पहले सत्र की यदि बात करें तो मीरा रोड टीम के, मीरा भाईंदर माफ कीजिए, मीरा भाईंदर टीम की एक तारीफ करूंगा, स्कोर हुआ है 21, मीरा भाईंदर टीम की एक मैं तारीफ करना चाहूंगा, और सभी टीमों ने इनके से सीखने वाली तारीफ है दोस्तों, कि इस टीम ने एक भी कैच नहीं छोड़ा है, ये एक अच्छा लक्ष्य होता है आपकी टीम का। देखिए फील्डिंग जिस टीम की मजबूत उस टीम की बाजू है मजबूत, और ये मीरा भाईंदर की टीम ने करके दिखाया। अगला ओवर लेके आएंगे जगदीश, बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद हवा में जरूर है, कैच बन सकता है, लेकिन और एक कैच छूटा है दोस्तों। हर मर्तबा गलतियों पे गलती, और गलती को यहाँ पे नहीं बख्शेंगे बल्लेबाज। गेंद गई बाउंड्री लाइन के बाहर, चार रनों के लिए। इन दोस्तों फिर से हिंदुस्तानी भाव आपके सेवा में, और पाकिस्तान की मात। और इसी के साथ आप देख सकते दोस्तों और एक गलती, गलतियों पे गलती, जिसके परिणाम आप देख सकते हैं वाशी टीम इस मैच के ऊपर से पकड़ थोड़ी सी निकालते हुए। तेजतर्रार गेंदबाजी, शॉट ऑफ पुल करने का प्रयास, ऑन साइड के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है, ऑन साइड में लॉन्ग रन के क्षेत्र में विराट सुरेश यहाँ पे तेजी के साथ गेंद के ऊपर जब तक आएंगे तो जब तक गेंद को फेंकेंगे, महज मिली सिंगल, और सिंगल के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने अपना छोर बदलाया और स्कोर हुआ है 26। यहाँ से बात करें तो अभी भी 22 रनों की आवश्यकता जीत के लिए।
तीसरा ओवर चौथा ओवर प्रगति पथ पर है दोस्तों। 22 गेंदों में 23 रनों की आवश्यकता। लोअर फुलटॉस गेंद कलाई के साथ मोड़ दिया। यदि वो दो बाउंड्रीज यदि बचती थी तो एक बड़ा डिफरेंस बनता था और जिसके चलते मैच में एक रंग बन सकता था। वो 8 रन पूरी तरह से डिफरेंस बनाने में काफ़ी मजबूत रोल निभाने वाली थी, लेकिन खिलाड़ियों ने कर दी गलती और जिसका परिणाम आप देख सकते हैं। वाशी टीम थोड़ी सी पकड़ यहाँ पे छोड़ते हुए इस मैच से, लेकिन अभी भी मैच बन सकता है। एक दो विकेट चटकाएंगे तो मैच बन सकता है। गेंद हवा में जरूर है, मौका बन सकता था, लेकिन दोनों भी गेंद बल्लेबाज पूरी तरह से 2 रन पूरे करते हुए। देखिए दोस्तों, फील्डिंग में यदि बात करें तो थोड़ी सी बैकफुट पे दिख रही है टीम फील्डिंग में, थोड़ा सा ताकत कम पड़ रही है इस फील्डिंग में, और जिसके चलते आप देख सकते हैं दोस्तों जो कैच हाथ में आ रहे वो छूट रहे हैं, और उसी के साथ जो कैच बन सकते थे उनके लिए प्रयास किया नहीं जा रहा। ये कैच बन सकता था यदि थोड़ी सी ताकत लगाते तो। गति परिवर्तन अच्छा होता हुआ, डॉट गेंद काफी 19 बॉल 19 काफी लंबे अरसे के बाद डॉट गेंद आती हुई। 19 गेंदों में 19 रनों की आवश्यकता। मैच बन सकता है दोस्तों, एक विकेट हासिल करना होगा। जगदीश कैप्टन कूल किस प्रकार से अपना रोल निभाएंगे। बड़ा स्लो गेंद हवा में है, खिलाड़ी जब तक गेंद के नीचे पहुंचेंगे तब तक इस कैच को लपका, और इसी के साथ बड़े मछली जाल में फंसी हुई। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, चलिए कृपया करके स्पीड अप कीजिए दोस्तों। देखिए आने वाली 18 गेंदें जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता। ये ओवर काफी रोल निभाएगा इस मैच को टर्निंग पॉइंट बनाने के लिए। वो दो बाउंड्री यदि बचती तो 18 गेंदें 27 रनों की आवश्यकता होती थी। थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई है, लेकिन कमबैक करना पहचान है दोनों भी टीम्स की। कमबैक होगा क्या, ये आने वाला वक्त जरूर बताएगा। आने वाली 18 गेंदें जीत के लिए 19 रनों की आवश्यकता। काफी कड़ा कांटे का मुकाबला दोस्तों, अभी भी कोई जीता नहीं, कोई भी हारा नहीं। जो करेगा संघर्ष वही जीतेगा। आने वाला वक्त ही बताएगा किसका संघर्ष बड़ा और उसकी जीत बड़ी। आने वाली 18 गेंदें 19 रन की आवश्यकता। सुरेश पहली गेंद, पटकी हुई गेंद काफी तेजी के साथ, क्या खूबसूरत गेंद थी दोस्तों। खंडों को पूरी तरह से ताकत के साथ खोला है। देखिए बल्लेबाज कवर और पॉइंट के क्षेत्र को टारगेट करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने तेजी के साथ यदि कवर पॉइंट में खेला गया तो यह चौका बन सकता था, और यही मनसूबा आप बल्लेबाजी के शैली में देख सकते हो। डॉट गेंद जरूर आई है, आगे आगे खेलने का प्रयास, कवर में जरूर खेल दिया इस गेंद को। देखिए जो गति के साथ बल्लेबाज गेंदबाजी कर रहे हैं उस गति के ऊपर ऑन साइड में स्ट्रोक खेलना जरूरी, थोड़ा हावी हो सकता है, और जिसके चलते हर मरतबा टारगेट किया जा रहा है ऑन साइड से ज़्यादा ऑफ साइड में कैसा खेला जाए, और वही काम यहाँ पे बल्लेबाज करते हुए। आगे के खेलने का प्रयास, कवर के क्षेत्र में गेंद को खेल दिया है खिलाड़ी रोहित वहां पे मौजूद। एक ही रन जरूर मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ नहीं, सिंगल डबल से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। एक एक डॉट गेंद यहाँ पे वाशी टीम की बाजुओं को मजबूत करेगी, एक एक डॉट मीरा भाईंदर टीम को सोच विचार करने में मजबूर करेगी। तो क्या होगा क्या नहीं होगा इस बार, आगे आगे खेलने का प्रयास, जिसका उल्लेख किया था दोस्तों कि ये बल्लेबाज ऑन साइड में नहीं खेलेंगे, ऑफ के साइड को टारगेट करेंगे, और यही काम होता हुआ। कवर के क्षेत्र में से गेंद डीप में जाते हुए 4 रनों के लिए खूबसूरत नायाब चौका। 35 23 रनों की आवश्यकता अभी भी। 13 माफ कीजिए 13 35 हुआ। फिर एक मरतबा लेते मैदान के ऊपर। देखिए यहाँ पे राहुल जरूर जगदीश से बात करते हुए कि जो फेस पे खिलाड़ी मौजूद किया गया सिली मिड ऑफ के क्षेत्र में, उसकी जरूरत है क्या, क्योंकि बड़े स्ट्रोक बचा है दोस्तों। इस चौके के साथ अगर देखा जाए तो स्कोर काफी तेजी के साथ निखरा है दोस्तों, और जा पहुंचा है अब देख सकते 35 के बायदन में। थोड़ा सा चेंजेस होते हुए फील्डिंग डिपार्टमेंट में, और देखेंगे क्या होगा। आगे आगे खेलने का प्रयास, ऑन साइड में गेंद जरूर गई है, खिलाड़ी जब तक गेंद पे आएंगे तब तक महेश मिली सिंगल, और यहाँ पे तारीफ कर रही होगी भंवर जी की, क्या रन बटोरा है दोस्तों, आंखों ही आंखों में से सुरमा चुरा नहीं इसे कहते। ये काबिलियत अनुभव आपका बताती है, ये अनुभव होना भी चाहिए, और 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड में इजाफा। 37 अभी भी 11 रनों की आवश्यकता 13 गेंदों में। यहाँ पे ब्लॉक हॉल राइट इन टू द स्लॉट, और विट्टियों को जड़ दिया है, पूरी तरह से बिखेर दिया है। आने वाली 12 गेंदें जीत के लिए 11 रन की आवश्यकता।
तो धन्यवाद डीजे अग्री कुलो की कुलो स्वामिनी माता इक्विराई को नमन करते हुए हमारे डीजे भी काफी मधुर संगीतों की मेजबानी हमको देते हुए, तो धन्यवाद कहना चाहेंगे हम हमारे डीजे से, और आने वाले पूरे दिन में ऐसे नायाब पेशकश संगीतों की पारी जरूर उनके माध्यम से भी खेलना चाहेंगे। पटकी भी गेंद गेंद को इस बार खेल दिया ऑन साइड में खिलाड़ी सुरेश गेंद के नीचे, इस बार गलती करेंगे क्या, नहीं इस बार कैच को लपका, इसी के साथ मैच को टर्निंग पॉइंट देते हुए धन्यवाद डीजे। यहाँ पे आप देख सकते कॉन्फिडेंस देते हुए और आत्मविश्वास मिलता हुआ जगदीश की काबिले तारीफ करनी होगी। जगदीश का ये ओवर काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस ओवर में दो से तीन गेंदों में, दो से तीन रनों पे यदि रोका जाएगा तो इस मैच में कमबैक हो सकता है। थोड़ी सी गलतियां जरूर हुई है यहाँ पे वाशी टीम के माध्यम से, देखिए और एक गलती, गलतियों पे गलती, गलतियों का भुगतान काफी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे बैकअप नहीं है और दो रन काफी तेजी के साथ बढ़ रहे। तारीफ करना चाहूंगा इस बल्लेबाज की दोस्तों में, क्योंकि काफी अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी मुश्किलें उनका जरूर निर्माण हो रही है, लेकिन दोनों भी बल्लेबाज सटीक सोच विचार के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये होना भी चाहिए। मीरा भाईंदर की ताकत क्या है, पहचान क्या है, आज मीरा भाईंदर टीम निश्चित तौर से दिखाती हुई। दो रन जरूर मिले 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 9 रनों की आवश्यकता आने वाली 10 गेंदों में, 10 गेंद 9 रनों की आवश्यकता, हर एक डॉट गेंद काफी बड़ा रोल इंपॉर्टेंट महसूस दिलाएगी दोनों टीम के लिए। धीमे गति से गेंद फेंका था, इस बार गेंद हवा में, इसी के साथ ये कैच छूटा दोस्तों, कैच नहीं छूटा तो पूरी तरह से ये मैच छूटा है। धन्यवाद डीजे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों क्या बेहतरीन पारी, मीरा भाईंदर टीम की तारीफ करनी होगी दोस्तों, क्या खूबसूरत खेल उन्होंने दिखाया, पूरी तरह से संयम शांत के साथ उन्होंने खेल खेला है, जिससे उनके टीम में एक अनुभवी खिलाड़ी है दोस्तों भंवर साहब, इनके माध्यम से इस पूरे टीम को बनाया गया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो उनके जो नक्शे कदम थे, उनके नक्शे कदमों पे पूरे सभी खिलाड़ियों ने संयम के साथ खेल दिखाया, एक अच्छा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ, एक टीम यूनिटी क्या होती है, टीम गेम क्या होता है, ये दिखाया हमारे मीरा भाईंदर टीम ने। और तारीफ करना चाहूँगा इस मीरा भाईंदर टीम की, जिस सोच विचार के साथ, जिन अपेक्षाओं के साथ मीरा भाईंदर टीम गए 3 सालों से क्रिकेट स्पोर्ट्स में उतर रही है दोस्तों, सिर्वी स्पोर्ट्स क्लब के माध्यम से होने वाली प्रतियोगिता में उतर रही है, उनकी जो ताकत है, उनकी जो पहचान है, वो पहचान आज मीरा भाईंदर की टीम दिखाती हुई। जरूर इनके टीम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, ले चलते फिर एक मरतबा मैच की तरफ। पटकी भी गेंद बैकफुट के ऊपर के जाके कलाई के साथ मोड़ दिया ऑन ऑफ साइड के क्षेत्र में, थर्ड मैन क्षेत्र में गेंद काफी तेजी के साथ ट्रैवल करती हुई और इसी चौके के साथ विनिंग चौका आया, खुशियां लाया, मनोरंजन लाया, उत्साह लाया और जीत का सुनहरा पर्व भी लाया। तो चलिए धन्यवाद डीजे। तो आने वाला अगला मुकाबला दोस्तों आपके सामने बोरिवली बनाम मलाड, तो डोंबिवली, माफ कीजिए, डोंबिवली बनाम मलाड, तो आइए चलिए आपका जो कोई डिसीजन हो उसके ऊपर अमल किया। डोंबिवली टीम टॉस जीत के फील्डिंग करने का निर्णय लिया, तो धन्यवाद व्यक्त करना चाहूंगा, काफी अच्छा।